ब्रह्म महावीर स्वामी की जय, आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री अनेकानंद सागर महाराज की जय, गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय, श्री मन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिंदवा साइना, ये सर्वे जिन सिद्ध से उनुगता से पाठ कह साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। श्रेयाः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्पगा ऋणमणि भव्योग चिंतामणि अश्रांता शय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री भीतरागः प्रभु। आहारा भय सदसादान दत्तावधाना खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुदान दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तछेद दंभ तैरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सरोदसादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्वपद कमलाराधिका नाम श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभि से केसर भेजना सावधाना भवंतु पूर्वाचार्य भ्यो नमो सुनमो सुनमो सु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली का ये भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर आचार्य श्री अनेकानंद सागर जी महाराज गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं। अब से प्रारंभ करें, जल का कलश हाथ में लें, सभी लोग हाथ धो लें और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। दूरावनम सुरनाद किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदुसरांग्रीम प्रसेदतापमल मुक्तमपि प्रकृष्ठे भक्ता चिलेजिनपतिम्बुदा विचिन्त्ये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्येच्यामि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट वर्णन वे मरसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतसुगन गुणानमेयाम वंदे रतां सुरभि संसपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक संपूर्ण सारसतांक मरीचिदाल सिंधेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः सुचितरे रविसिंधमाना संपादयन्तमक्षितमितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तीर पुंसा पुण्य सुमण कल से निकले वसानी संसार सागर विलंघन हेतु से तुम आपलावय त्रिभुवन पतिम जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं तं तं पं झं झं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चंदनान लेपनम संशुद्ध शुद्धिया पर्या विशुद्धिया कर्पूर समित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या चंदनान लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ऊपर जल की व्यवस्था हो गई क्या? चुल्लक जी देखिए, प्रशांत सागर चुल्लक जी ऊपर ऊपर हो गई। हाँ तो
ठीक है, जल से कर लीजिए, जल से पुष्पवृष्टि, ओम रीम पुष्पवृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती, दग्ध उज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिकम तो भी हो रहा तारिया में तो मंगल आरती औतरणम उदग चंदन तन लोल पुष्प कई चरसु दीप सुधु पुफलार के धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर पामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश ओम रीम श्रीम क्लीम है मर हम वम वम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित कलेन पूर्ण कलशे नपचे ज्यामी नमोरते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्दाय नमार के अंदर पामी ते स्वाहा। शांति धारा की धारी हाथ में ले लीजिए और कुछ लोग ऊपर चले जाएं भगवान भरत के अभिषेक के लिए, वहां भी कैमरा लगा दीजिए। शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संजय पापड़ीवाल जी गए हैं, आपको जाना है, आप चले जाइए। प्रदीप जी चले जाए, अशोक जी जा रहे हैं, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग उपद्रव विनाशाय सर्व प्रकृति द्रुपद विनाशाय सब श्याम नामर विनाशम राम दीम रूम ओम राशि अवसर नमः। आचार्य अनेकान सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती नामका निकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी सीता जैन अक्षत नंदिनी जैन टीएमयू राधावास परिवार से संघपति श्री जिंदा जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अवरल जैन सोनल जैन अदिति जैन गणेश जैन डालमिया जिनेन्द्र जैन दरियागंज नई दिल्ली सिविल लाइन से परिवार से श्री इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुर मांगे तुंगी श्री संजय श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार काजलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण काजलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर काजलीवाल चांदवड़ निवासी सपरवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू सपरवार से श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संदीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार काजलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री देसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान श्रीमती सुनीता श्रीमती रेखा दीवान प्रभात सूरत श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन जैन सभा नई दिल्ली से परिवार से श्री आज निर्वाण लाडू के तीन नाम प्राप्त हैं श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसु जैन पुनी सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली निर्वाण लाडू के लिए श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता से परिवार से तीसरा नाम श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता से परिवार से तीनों महान भावों की ओर से तीनों परिवारों की ओर से अभी यहाँ निर्वाण लाडू चढ़ेगा और अगला निर्वाण लाडू श्री अभिषेक लुवाड़िया श्री प्राची लुवाड़िया हजारीबाग झारखंड श्री चंदा देवी पाटनी धर्मचंद पाटनी अमित कोमल मानव पाटनी परिवार दीमापुर श्री जय कुमार जैन पूर्व एमएलए निर्मल लता संजय सुमन सुभाष वंदना जैन विनायका परिवार दिल्ली भागलपुर श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राकेश जैन खार मुंबई श्रीमती मीना सज्जन कुमार जैन खार मुंबई श्री विजय रेखा ऋषभ गौतम श्रेया जैन इम्फाल श्री दिनेश चंद बागेश तन्वी जैन दिल्ली श्री अशोक जैन पुष्पा जैन विकास अरिंद आध्या जैन नितिन कर्णिका जैन मेरठ उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र मीनू उमंग रितांशी जैन कोटा राजस्थान से परिवार से जम्बूदीप के हसनापुर में मंदिर निर्माण के दो पुण्याजक परिवार नंबर एक श्रीमती कुंती देवी जैन जयपुर श्री नीलम छाबड़ा डॉक्टर आर जी अठानी मार्ग मोरीवली मुंबई सपरवार से श्री पवन कुमार विजय लक्ष्मी जैन फरीदाबाद हरियाणा सपरवार से मनोकामना सिद्धि विधान के पुण्याजक परिवार श्री रश्मि जैन स्वास्थ्य लाभात श्री रिया हर्षित दक्षेठी कलकत्ता श्रीमती चंपाबाई बालासो बलीगढ़े कोल्हापुर
स्वर्गीय श्री झूमर मल जैन की स्मृति में श्रीमती मीना देवी बड़जात्या नागौर निवासी डिस्पुर प्रवासी सपरवारस्य श्री श्याम सुंदर जैन अखिलेश कुमार ब्रजेश मंजू पूनम अन्विषा रोहिणी दिल्ली सपरवारस्य श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ सपरवारस्य श्री शैलेन्द्र श्रेयांश जैन पुणे महाराष्ट्र सपरवारस्य श्री सीता हुक्मीचंद जैन बस्सी सलुम्बर राजस्थान सपरवारस्य श्रीमती कस्तूरीबाई चंद्रनाथ गड़गड़े कुलबर्गी श्रीमती सम्यकलता बाहुबली गड़गड़े बेलगांव कर्नाटक सपरवारस्य अयोध्या के एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री कंवर लाल जी माया राम जैन श्री कन्हैया लाल श्री राम जैन के सिंगा उड़ीसा निवासी सपरवारस्य प्रतिदिन के शांतधारा के पुण्याजक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरवार कलकत्ता श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराब आजी जैन अध्याम जैन सिद्धार्थ जैन अमृत आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायिका आशु निशा सिद्धिका विनायिका प्रभा सूरत श्रीमती ललता भाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार लीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन सपरवार नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसदशमी आनंद नीतू सेठी चांदनी अशोक पाटोरी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा राम सरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी रफौत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि पणती अत्य परिचित नाम का सौरभ सत्सा सदार सेठी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धूलियान पश्चिम बंगाल श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभा संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री अशोक कुमार जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन अजिनेन जैन अतिथि जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सपरवारस्य श्री आस्था अर्चित जैन पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री राजकुमार किरण देवी विनोद कुमार मनोज कुमार कविता अतिथि संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी सपरवारस्य श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर सालू अमित शिखा सी जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार जैन ऋतु जैन सिद्धार्थ अकत संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री सचिन जैन कपिल जैन प्रीत विहार दिल्ली श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिदास जैन जवाहरनगर जयपुर श्री धनराज पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन श्री राजेंद्र कुमार मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम श्री सुशील जैन श्रीमती शशि जैन आलोक दिचा दिया अश जैन देहरादून उत्तराखंड श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रीहांश श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर श्री श्री विजय जैन रश्मि जैन दरियागंज दिल्ली सपरवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी निंदादि बंधन भयम चिंचिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी वाष्परानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच वेंद्र डाकिनी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि भयम
भयम छिन छिन दी सर्व व्यापार हानि भयम छिन छिन दी सर्व राज भयम छिन छिन दी सर्व चोर भयम छिन छिन दी सर्व दुष्ट भयम छिन छिन दी सर्व शत्रु भयम छिन छिन दी सर्व शोक भयम छिन छिन दी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिन दी सर्व वैरम छिन छिन दी सर्व दुर्भिक्षम छिन छिन दी सर्व मनोव्याधिम छिन छिन दी सर्व अतिरोध ध्यानम छिन छिन दी सर्व दुर्भाग्यम छिन छिन दी सर्व आयसः छिन छिन दी सर्व सर्व आयसः सर्व पापम छिन छिन सर्व विद्याम छिन छिन सर्व प्रत्यवायम छिन छिन सर्व कुमतिम छिन छिन सर्व भयम छिन छिन सर्व क्रूर गृह भयम छिन छिन सर्व दुःखम छिन छिन सर्व पाप मृत्युम छिन छिन दी बिन बिन दी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात विद्वन्माना अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे मरमाद्यानामादे जम्बुद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशली तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2547 समय मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ रविवासरे रक्षाबंधन पर्व शुभ अवसरे भगवान श्रेयांस्नान मोक्ष कल्याणक पर्व शुभ अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्का श्रा सौकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुर्प शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य शांताराम ग्रम चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकान सागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञानो चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। सबसे बड़े ऋषभ देव भगवान की जय। श्रेयांसनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं चतुर्मिशतीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब निर्वाण लाडू चढ़ाइए। आज एक निर्वाण लाडू दीजिए श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली के हाथों में बड़ा निर्वाण लाडू। हाँ चलिए जल्दी चलिए विजय जी विजय जी दरियागंज जल्दी जल्दी चलिए। भगवान श्रेयांस एक निर्वाण लाडू बड़ा निर्वाण लाडू श्री विनोद कुमार जैन इनकी ओर से पहला निर्वाण लाडू है विनोद कुमार शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली भगवान के अर्घ्य की पुस्तक दो। और दूसरा निर्वाण लाडू श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता की ओर से है श्री अतुल जी राकेश जी ले लीजिए आप अपने हाथों में अतुल जी राकेश जी बड़ा निर्वाण लाडू ले लीजिए। जैन सभा के हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी ले लें दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप की ओर से और हमारे प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन दिल्ली पधारे हैं इनके हाथों में एक लाडू दीजिए ये चढ़ाएंगे कलकत्ता की ओर से सुमेरमल नर्मदा देवी अपनी ओर से भी चढ़ाएंगे और एक लाडू दीजिए श्री प्रदीप कुमार जैन खारी बाव दिल्ली के हाथों में प्रदीप कुमार जैन हाँ देव उधर प्रमोद कुमार जैन हाँ प्रमोद जी और संजय जी ले लीजिए। चलिएगा भगवान श्रेयांसनाथ ने समी शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया लाडू चढ़ाइएगा और मंगला जी एक लाडू आप ले लीजिए सवा पांच किलो का एक निर्वाण लाडू मंगला जी के हाथ में दे दीजिए संघ की बहनें भी उनके साथ में आ जाए संघ की बहन जी सब उनके साथ चले मंगला जी आप बड़ा लड्डू चलिए संघ की सब बहन जी लोग भी आ जाए चलो प्रीति आज आप बिना बहन सवा पांच किलो के दीजिए मंगला जी के हाथ में और सब बहन जी उनके साथ में आ जाए और अतुल जी राकेश जी आप बड़ा लाडू ले लीजिए आप चढ़ा रहे हैं दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता की ओर से विनोद कुमार जी अपनी ओर से चढ़ा रहे हैं और मंगला जी के हाथ में दीजिए हाँ सब बहन जी मंगला जी के साथ संजय जी पापड़ीवाल आपने ले लिया निर्वाण लाडू महावीरो भीषम तु जिनवर इंदा अमरासुर वंदिदा दुध किलेसा सम्मे दे गिरि सिहरे निवाण गया नमो ते सिम सब बहन जी एक एक लड्डू और अलग से ले लें एक रावण सुधि पूनो श्रेयांस कर्म नाश करके शिव कांत
गिरि सम्मेद पूज्य जग सिद्ध नमो मोक्ष कल्याण प्रसिद्ध। ओम एक मिनट, हाँ मंत्र बोला जा रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे। एक लाडू बड़ा विनोद कुमार उत्तम नगर दिल्ली की ओर से चढ़ रहा है, एक लाडू दान मलज कुमार पांडा बाहुबली ग्रुप कलकत्ता की ओर से चढ़ रहा है, एक बड़ा लाडू श्री सुमेरमल नर्मदा देवी परिवार कलकत्ता चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता की ओर से चढ़ रहा है, अगले मीडियम निर्माण लाडू अभिषेक लुहाड़िया प्राची लुहाड़िया हजारीबाग की ओर से चढ़ रहा है, और छोटे निर्माण लाडू श्री चंदा देवी पाटनी धर्म पाटनी डीमापुर नागालैंड की ओर से है, एक जय कुमार जैन पूर्व MLA भागलपुर दिल्ली की ओर से है, एक निर्माण लाडू श्रीमती भगवती देवी जैन रतन राके राजेश जैन खार मुंबई की ओर से है, एक निर्माण लाडू श्री विजय रेखा ऋषभ गौतम श्रेया जैन नेपाल और की ओर से है, एक निर्माण लाडू श्री रश्मि जैन रिया जैन हर्षित जैन दक्ष सेठी कलकत्ता की ओर से है। ये निर्माण लाडू चढ़ाए जा रहे हैं, सबके हाथ में निर्माण लाडू हैं, जो नहीं आए हैं उनकी सबकी ओर से यहाँ पर निर्माण लाडू चढ़ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, समय शिखर से भगवान श्री राजनाथ ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया, उसी का स्मरण करते हुए आप सब समय शिखर भावों से पहुंच जाएं और राजधानी दिल्ली में भगवान भरत के श्री चरणों में उनकी छत्रत छाया में भगवान श्री राजनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ रहा है। ओम रीम श्रावण शुक्ला पूर्णिमायाम समय शिखर पर्वता सिद्ध पद प्राप्त श्री श्री राजनाथ जी न मोक्ष कल्याण काय अनर्क पद प्राप्ति निर्वाण लाडू सहित मार्ग्यम निरपामीति स्वाहा। भगवान श्री श्रेयांशनाथ के चरणों में अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जब लो श्रेयांशनाथ भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की रक्षा बंधन महापर्व की चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी सिद्ध परमेष्टि भगवान की भरत ज्ञान स्थली तीर्थ की आचार्य निकांत सागर महाराज की गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आप पूज्य माता के मुखारविंद से आप सब मंगल प्रवचन झंडारोहण एक मिनट के लिए कराते हैं। मैं प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी धर्म ध्वज के निकट पहुंच जाए, स्वामी जी आप भी, संजय जी पापड़ीवाल, अतुल जी जैन जैन सभा के अध्यक्ष, झंडा झंडे के पास पहुंचिए। आज जैन शासन का ध्वज जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत देश है, ऐसे भगवान भरत के की प्रतिमा के ठीक सामने धर्म ध्वज है, उसका आज झंडारोहण करके प्रमोद जी मॉडल टाउन चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भरत भगवान के सामने भी अभी लाडू चढ़ाएंगी। और चलिए झंडारोहण पंचरंगी ध्वज जैन शासन का ध्वज चढ़ रहा है। ओम ह्रीम श्री जिन शासन पता के सदोच्छ्रिता भव भव वसट स्वाहा रक्षा बंधन पर्व अवसरे जिन शासन ध्वजम आरोहयामी स्वाहा। अब स्वामी जी वहां पर रक्षा सूत्र बिना बहन जी लेके जाओ रक्षा सूत्र वहां बांधेंगी, और आज आने वाले इस सभी भक्तगण इस धर्म ध्वज में हाँ वहां पर सबसे पहले स्वामी जी इस धर्म ध्वज में रक्षा सूत्र बांधेंगी, पुनः सभी लोग आने वाले और आज जो यहाँ आ चुके हैं सभी लोग धर्म ध्वज में ध्वज दंड में रक्षा सूत्र बांधकर धर्म एवं धर्मायतन हाँ भगवान भरत के समक्ष भी हाँ भगवान श्रेयांशनाथ की चरण आपने समी शिखर पर्वत से दर्शन किए और भगवान भरत की प्रतिमा की छत्रत छाया में राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस क्षेत्र में स्थित भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर राकेश जी भगवान भरत के सामने लाडू चढ़ाइए। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला पूर्णिमायाम मोक्ष मंगल मंडिताय श्री श्रेयांशनाथ जिनेन्द्राय भरत स्वामी ने
श्री शासनाजनेन्द्र अर्घ्यम निर्पयामीति निर्वाण लाडू समर्पयामी स्वाहा। ह्रीम ह्रीम बीजाक्षर में 2400 भगवान विराजमान है। आइए धीरेन्द्र जी बहन जी चढ़ा दो अंदर ध्यान मंदिर के अंदर। हाँ वीडियोग्राफर भगवान भरत की प्रतिमा के समक्ष भी जो निर्वाण लाडू चढ़ रहा है। सभी पारस चैनल के दर्शक अपने अपने स्थानों से ही भगवान भरत की मूर्ति जिन्हें केश लुंचन करते करते केवल ज्ञान हो गया ऐसे युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट त्यागी अध्यात्म महापुरुष ऐसे भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु की सिद्ध प्रतिमा के निकट निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। धर्म ध्वज की स्थापना हुई और ह्रीम ह्रीम भगवान का भी दिखाएं। ह्रीम बीजाक्षर में विराजमान 2400 भगवान हैं। प्रतीक अंदर 2400 भगवान में से भगवान श्री हंसनाथ के श्री चरणों में भी निर्वाण लाडू। बहन जी जाइए निर्वाण लाडू चढ़ाइए। श्वेता ले जाओ। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ला पूर्णिमायाम मोक्ष मंगलमणिताय श्री श्री हंसनाजनेन्द्राय ह्रीम प्रतिमा ह्रीम बीजाक्षर में विराजमान 2400 तीर्थंकर भगवान के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वाण लाडू समर्पयामी स्वाहा। जोलो 2400 भगवान की ह्रीम की में विराजमान 2400 भगवान की जय। और अब धर्म ध्वज में रक्षा सूत्र बंधन हुआ और माताजी ह्रीम के अंदर भी भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। और अब पूज्यगणनी ज्ञानमती माताजी आप सभी लोग अलर्ट होकर के बैठे हैं बिल्कुल सावधान होकर के। आज रक्षाबंधन के अवसर पर पूज्य माताजी आपसे कुछ संकल्प कराएंगी। यहाँ पर जो लोग आए हैं सब लोग सोशल डिस्टेंस बना करके खड़े हो जाइए, बैठने की बजाय खड़े हो जाइए। आइए प्रमोद कुमार जी और हमारे अतुल जी, राकेश जी, विनोद कुमार जी, राजकुमार जी, संजय पापड़ीवाल, विजय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, सब लोग, नितिन जी, सब लोग खड़े हो जाएं पूज्य माता के सामने। आज बहुत ही मांगलिक दिवस है। और ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धे माता के आवाज़। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ कुंतनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महोपसर्ग विजयी। ओम ह्रीं अरहम श्री महोपसर्ग विजयी। ओम ह्रीं अरहम श्री महोपसर्ग विजयी। अकम्पनाचार्यादि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। अकम्पनाचार्यादि सप्तशत मुनिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णुकुमार महामुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री विष्णुकुमार महामुनीन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री अनेकांत सागर आचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री अनेकांत सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा आज मोक्ष कल्याणक आज ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री श्रीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री श्रीनाथ जिनेन्द्राय नमः। अध्यात्मा आज रक्षाबंधन पर्व है। आज के दिन हस्तिनापुर में 700 मुनि जो है बलि ने उनके ऊपर अग्निकांड उपसर्ग किया था। चारों तरफ से अग्नि जला दी थी यज्ञ के बहाने, यज्ञ के निमित्त से धर्म विदेशी होने से उन मुनियों को मारने के लिए। तो उस समय विक्रियारिधि के धारण करने वाले श्री विष्णु कुमार मुनि जो उज्जैनी में विराजमान थे और उनके पास में मिथिला नगरी से आचार्य श्री शिव सागर जी ने रातों रात क्षुल्लक को भेजा
तिलक पुष्पदंत सागर, और वो आकर के पुष्पदंत तिलक आकर के उन्हें सूचना देते हैं। और रात की रात विष्णु कुमार महामुनि अपनी विक्रिया रिद्धि से हस्तिनापुर आते हैं आकर के, और पुनः प्रातः वामन का वेश लेकर के, वामन का वेश लेकर देखिए मुनि वेश से वामन का वेश लेकर के वस्त्र धारण करके जनेऊ धारण करके और तिलक लगा करके पुस्तक पोथी हाथ में लेकर के ऋचाओं का उच्चारण करते हुए बलि की सभा में पहुँचते हैं। बलि आदि मंत्री प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो वैदिक धर्मान्यायी थे, जैन धर्म के कट्टर विद्वेषी, तो वो जो है कहते हैं कि हे बहुदेव आप कुछ ना कुछ वर मांग लो, इच्छा अनुसार हम आपको सब कुछ देने को तैयार है। यहाँ तो सारी चक्रवर्ती की संपत्ति भंडार में भरी हुई है, क्योंकि वहाँ जो पद्म राजा थे वो और विष्णु कुमार जी, इन दोनों के पिता जो थे महापद्म, वो चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती पद को छोड़कर उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। तो वहाँ भंडार भरा हुआ था, खूब दान बांट रहे थे, क्यों इच्छक दान। तो वामन वेशधारी श्री विष्णु कुमार महामुनि ने वामन के वेश में 3 पैंट धरती मांगी, और 1 पैंट में उन्होंने सुमेरु पर्वत पर पैर रखा, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर, 2.5 द्वीप तक पहुँच गए, 2.5 द्वीप के बाहर पहुँच नहीं सकते, तीसरा पैर उठाया तो आकाश में लटकता रह गया। बोले आप बोलो कहाँ जगह है, एकदम बलि घबराया और उसके पैर उसके ऊपर पैर रखने लगे, तो एकदम वो घबराया और क्षमा क्षमा करने लग गया। उसी समय सब देव प्रकट हो गए और आकाश मार्ग से यानी भूचाल हो गया, जैसा पृथ्वी भी हिल उठी, आकाश में हलचल हो गई, सब देव एकदम आकाश में खड़े होकर त्राहिमाम करने हुए और विष्णु कुमार महामुनि से क्षमा याचना करने लग गए, और देवों ने आकर के बलि को बांध लिया, मुनियों का उत्सर्ग दूर किया। ये आज का इतिहास लगभग 65 लाख वर्ष पुराना है। भव्यात्माओं हस्तिनापुर में 700 मुनियों की मूर्ति बनी हुई है, और उनका सौभाग्य प्राप्त किया विराजमान करके मंदिर बनाने का, और वो मंदिर बन रहा है। वहाँ मूर्ति तो विराजमान है लगभग 20 वर्ष से, वहाँ मूर्तियाँ विराजमान हैं, और वो सहस्कुंड मंदिर में विराजमान है एक तरफ मंदिर में 700 प्रतिमाएँ, और यहाँ पर अकम्बराचार्य और विष्णु कुमार महामुनि के चरण भी आए हुए हैं, उनका भी अभिषेक आपने किया हुआ है। ऐसे विष्णु कुमार महामुनि और कल्पनाचार्य की देवों ने 3 वीणा ला करके और खूब वीणा बजा बजा करके खूब पूजा की है, और तीनों वीणाओं को यहाँ मध्यलोक में दे गए, एक विद्याधर में 100 मनुष्यों को दे करके गए थे। भव्यात्माओं यह इतिहास आपको मैंने सुनाया, अब हम आपको ले चलते हैं आज आज के दिन हमें और आपको करना क्या है। हमें और आपको केवल उस समय जो सभी मुनि उपसर्ग दूर हुआ था तो सभी मुनि के कंठ झुलस गए थे और अग्नि के कांड से, और बहुत तकलीफ हुई थी। उधर में अभिषेक ना करें, अभी शांति रखें, माता जी कुछ बोल रही हैं, कोई बोले तो नहीं उस समय। हाँ आप सब लोग शांति रखो एक बार। उस समय जो है उन्होंने श्रावकों ने निर्णय लिया, हस्तिनापुर के सभी श्रावकों ने, हजारों नहीं लाखों लाखों घर होंगे उस समय निर्णय लिया कि इन मुनियों के कंठ जो अग्नि से झुलसे हुए हैं, बहुत तकलीफ है, तो सिमई जैसी कोमल कोमल खीर, चावल की खीर बना करके, कोमल कोमल खीर बना करके और इन मुनियों को आहार कराया जाए। सभी मुनि आहार को उठे और सभी मुनियों का खीर से आहार कराया गया था। इसी उपलक्ष्य में आज जगह जगह खीर बनाने की परंपरा है, और सोन पूजने की यानी मंदिर के अपने अपने मकान के बाहर लोग सोन लिखते हैं, मुनि की मूर्ति बनाते हैं, उसमें खीर लगा देते हैं, यानी संकल्प करते हैं। लेकिन आज जहाँ जहाँ मुनि हैं, साधु हैं, मैं तो कहूँगी सभी लोग अपने अपने गांव में, नगर में, शहर में, जहाँ जहाँ दिगंबर जैन मुनि आर्का छिड़क छिड़का हैं, उनको आहार दे करके और खीर का पारना कराकर आहार दे करके ही आहार ग्रहण करें, भोजन करें। आज बहन भाई का त्यौहार, ये रक्षा सूत्र, हम इसे जो है परस्पर में रक्षा सूत्र बंधवा कर मनवाते हैं। अभी आपने झंडारोहण किया, पंचवर्णी ध्वज लहराया, केसरिया ध्वज लहराया, और आपने उस ध्वज स्तंभ में राखी बांधी है। किस लिए? रक्षा सूत्र जो बांधा है ध्वज स्तंभ में, यह मैं हमेशा रक्षाबंधन के दिन ध्वज स्तंभ में रक्षा सूत्र बंधवाती हूँ, अपनी अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा, अपने देश की रक्षा, अपने साधुओं की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्मायतन की रक्षा, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा, अपने भारत देश की रक्षा के लिए संकल्प कराती हूँ।
अब मैं आप सबसे संकल्प कराऊंगी, आप लोग संकल्प करेंगे तो हमारी आवाज़ को सुनने वाले पारस चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ लोग हैं सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो वृद्ध हैं अथवा अस्वस्थ हैं, बालक हैं, नहीं खड़े हो सकते, वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, और जो खड़े हो सकते हैं सब लोग खड़े होकर के हाथ जोड़ेंगे, और संकल्प में कराती हूँ संकल्प करेंगे सब लोग। आज संकल्प करेंगे, हम आज बोले, हम बुलाएंगे आप लोग बोलेंगे, हम आज संकल्प करते हैं, हम आज संकल्प करते हैं, हमारे जैन मंदिर, हमारे जैन मंदिर, जैन तीर्थ, जैन तीर्थ, और जैन मुनि आरिका, जैन मुनि आरिका, श्रावक श्राविका आदि, श्रावक श्राविका आदि, चतुर्विध संघ पर, चतुर्विध संघ पर, या किसी धर्म आयतन पर, या किसी धर्म आयतन पर कोई संकट, कोई संकट या उपसर्ग आएगा, उपसर्ग आएगा, तो हम धन मन धन से उसकी रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। हम सभी पुनः ये संकल्प लेते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको संकल्प कराया है, और आप लोग इसे केवल मात्र संकल्प ही ना समझें, केवल मात्र कहना ही ना समझें, बल्कि कभी कोई अपने तीर्थ पर, सम्य शिखर आदि गिरनार आदि किसी तीर्थ पर और किसी धर्मायतन पर, किसी मंदिर पर, आचार्य सांसार महाराज ने अपने धर्मायतन की रक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए, उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए 2.5 वर्ष तक अन्न का त्याग करके और सत्याग्रह किया था, और उस समय सुप्रीम कोर्ट तक के हमारे जैन समाज के लोग गए हैं, विद्वान लोग गए हैं और निर्णय लेकर आए हैं। वो निर्णय सब छपा हुआ है चारि चक्रवर्ती पुस्तक में आदि में, कि जैन और हिंदू अलग अलग हैं, जैन हिंदू की शाखा नहीं है, जैन हिंदुओं की शाखा नहीं है, जैन धर्म स्वतंत्र है, जैन स्वतंत्र है, और आज भी जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। जैन स्वतंत्र है, जैन धर्म किसी की शाखा नहीं है, अनादि निशंस शाश्वत धर्म, अपनी अपनी परंपरा को लिए हुए सभी धर्म स्वतंत्र हैं, चाहे जैन हो, चाहे वैदिक हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे मीमांसक हो, अनेकों प्रकार के परंपरागत बौद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, सब अपने अपने धर्म को लिए हुए, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, सभी अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन कर रहे हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता का यही एक महिमा है, महात्म्य है, कि सभी भारतवासी कोई भी क्यों न हो, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों, अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन करने का अधिकार रखते हैं। यह हमारे यहाँ निर्णय हुआ है। और जैन और हिंदू बेगड़े आहेत, यानी मराठी में है पुस्तक, हिंदी में भी छपी है, जैन और हिंदू अलग अलग हैं, ये एक दूसरे की शाखा आदि कुछ नहीं है, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र धर्म है, उसकी रक्षा के लिए हम और आप स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से आज आपने संकल्प किया है, तो कभी भी अपने मंदिरों पर, आज आपके दिल्ली शहर में 200 मंदिर हैं, सम्य शिखर में 22 कमेटी हैं और 22 संस्थाएँ हैं आदि तीर्थों पर, कभी किसी प्रकार से किसी के द्वारा भी कोई आतंक और उपद्रव आता है, तो आप सब जैन दिगंबर जैन एकजुट होकर के और उसका प्रतिकार करके उसकी रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं, ले रहे हैं, लेते ही रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि अपनी आचार्य परंपरा में यही सिखाया गया है। हम लोग सभी उसमें कटिबद्ध रहते हैं, संकल्प करते हैं। तो बात यह है कि जब विष्णु कुमार मुनि ने मुनि वेश छोड़कर बामन वेश धारण करके उज्जैनी से हस्तिनापुर आकर के 700 मुनियों की रक्षा की थी, तो हम और आप उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम और आप सभी रक्षा करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से आज ये रक्षा का संकल्प आप सबने किया है। मैं समझती हूँ पारस चैनल के माध्यम से हमारे लाखों लाखों 2500,000 ने, 5500,000 लोगों ने, जैन ने, सभी ने, और बल्कि हमारे श्वेतांबर बंधु भी इसमें सम्मिलित हैं, तो सभी जो है अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अपने अपने मंदिरों की रक्षा करेंगे, चाहे इसमें 13 पंक्ति हो, चाहे 20 पंक्ति हो, अपने अपने मंदिरों की रक्षा अपने अपने आमनाय के अनुसार करेंगे। कोई 20 पंक्ति 13 पंक्ति पर तो आक्रमण करता नहीं है, और अगर कोई 13 पंक्ति 20 पंक्ति मंदिरों पर, तीर्थों पर आक्रमण करते हैं, अरे उसके अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, तो आप सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम अपनी परंपरा,
आचार्य शांतिसार परंपरा, आचार्य आगम की परंपरा, आर्ष परंपरा का संरक्षण करते हुए हम अपने तीर्थों की रक्षा करते ही रहें, अपनी परंपरा की रक्षा करते रहें, यही मेरी प्रेरणा। और पारस चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी जैन समाज के हमारे बंधु हैं उन सबके लिए यही पुनः पुनः प्रेरणा। और आज मंगल दिवस पर, रक्षाबंधन पर्व पर सबके लिए मंगल आशीर्वाद, खास करके हमारे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति की रक्षा करते रहे। सर 1918 में माघी तुंगी में आकर के उन्होंने बहुत अच्छे अपने उद्गार व्यक्त किए थे कि अगर भारतीय संस्कृति में अहिंसा से ही पर्यावरण की शुद्धि और अहिंसा से ही विश्व शांति होगी। विश्व शांति सम्मेलन में हमने विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन में उद्घाटन में उन्हें बुलाया था, उनसे दीप प्रज्वलित कराया था। हमारे 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो आज तत्कालीन राष्ट्रपति थी उन्होंने भी इसी प्रकार से कहा था। तो आप लोग जो है हमारे राष्ट्रपति के लिए बहुत मंगल आशीर्वाद, हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते रहें। और हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्य योगी जो अयोध्या के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और संकल्प कर चुके हैं, ऐसे आदित्य योगी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, राज्यपाल के लिए आशीर्वाद। और हमारे जो महाराष्ट्र आदि के मुख्यमंत्री, यूपी के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, हर प्रांत के, दिमापुर, नागालैंड आदि के, सभी भारतवर्ष के हर प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शासक, सभी के लिए मंगल आशीर्वाद, प्रशासन के लिए मंगल आशीर्वाद। और भारतीय सीमा पर खड़े, करगिल की सीमा पर खड़े हमारे सेना पर, सेना के अध्यक्ष, सेनापति आदि, और जो सैनिक वीर बहादुर जो हमारे भारत के सपूत, भारत की रक्षा करने में, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने में तत्पर रहते हैं, उन सभी सैनिक के लिए, सभी नागरिकों के लिए, आवाल गोपाल के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शासन और प्रशासन के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। रक्षाबंधन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करे, जैन धर्म की रक्षा करे, अहिंसा परमो धर्म की रक्षा करे, इसी भावना के साथ पुनः पुनः 700 महामुनियों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, विष्णु कुमार महामुनि के चरणों में कोटि कोटि नमन, और यहाँ विराजमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। जितने भी दिगंबर मुनि विराजमान है भारत में, सभी दिगंबर मुनियों के लिए, आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए कोटि कोटि नमन। और भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, ह्रीम में विराजमान सभी को अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए सबके लिए आशीर्वाद। और ध्यान रखें, कल से भाद्रपद कृष्णा एकम है, तो भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन कृष्णा एकम तक 31 दिन तक 4 व्रत चलेंगे। 16 कारण व्रत, 16 कारण पर्व, 16 कारण के मंत्र की जाप होगी। मेघमाला व्रत चलेगा, उसका मंत्र हम आपसे उच्चारण कराएंगे। उसमें 7 बार महीने में 1000-1008 कलशों से अभिषेक भी होगा, वो भी आपको पारस चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और श्रुत स्कंद व्रत चलेगा, सरस्वती की आराधना का, उपासना का व्रत, उसका मंत्र कल से बुलवाएंगे। और श्री दिनमुखावलोकन व्रत चलेगा कि भगवान के सुबह उठते ही पहले भगवान का मुख कमल का दर्शन करो, पुनः भोजन करो, किसी का मुख देखो, ये दिनमुखावलोकन व्रत है। कोई कोई करते हैं, बहुत से श्रावक भी करते हैं, तो वो मंदिर के प्रांगण वगैरह में सोते हैं और सुबह उठकर भगवान का दर्शन करके ही और किसी का मुख देखते हैं। तो बात यह है कि ऐसे 4 व्रत कल से शुरू हो जाएंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण भी हम आपसे कराएंगे। तो ये सब व्रत, आने वाले व्रत, और 10 लक्षण तो व्रतों का समुद्र है, उसमें अनेकों व्रत आएंगे। लब्धि विधान व्रत आएगा, 10 लक्षण पर्व आएगा, और उसमें यहाँ कल्पद्रुम विधान होगा, चक्रवर्ती बनेंगे, और पंचमेरु व्रत आएगा, रत्नत्र व्रत आएगा, अनंत चतुर्दशी व्रत आएगा, आदि बहुत से व्रत आएंगे। ये सभी व्रत आप लोग सब करेंगे, कराएंगे, अनुमोदना करेंगे, उन पर्व की पूजा करेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, सारे भारत के लिए, भारत के हर नागरिक और हर समुदाय के लिए, आवाल गोपाल के लिए रक्षाबंधन पर्व पर बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे पारस चैनल के दिखाने वाले बालक, ये इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग है, सबके लिए हमारी जैन सभा के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, जिन्होंने जो आज भरत भगवान को खड़ा करके विश्व में एक आदर्श उपस्थित किया है, उनके लिए कोटि कोटि आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके लिए बहुत बहुत, और विश्व के सभी नागरिक और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले गणनी ज्ञानमती माता जी की। आप सब लोग बैठ जाइए। सभी को सूचना है, कल से भाद्रपद प्रारंभ हो रहा है, 1 महीने तक लगातार अभिषेक विधान
और महाशांत धारा में जिन्हें अपना नाम देना है मात्र 11,000 रुपये की राशि में अपना नाम दे सकते हैं। लगातार एक महीने तक ये भादों का महीना सबसे धार्मिक महीना माना जाता है। केवल 11,000 रुपये की राशि में अपना नाम लिखवा करके और लगातार एक महीने तक शांति धारा के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं। आपका परिवार की ओर से प्रतिदिन शांत धारा होगी। दस लक्षण पर्व में कल्पद्रुम महामंडल विधान होगा जिसके लिए व्यवसाय निश्चित की जा चुकी। केवल 12 यहाँ पर चक्रवर्ती बनेंगे जिसमें प्रथम चक्रवर्ती और 3 चक्रवर्ती की राशि सुनिश्चित की जा चुकी हैं। बाकी 8 चक्रवर्ती 1-1 लाख रुपए के चक्रवर्ती रहेंगे जिनकी विभावना इस मंडल विधान में अधिक लोग नहीं बैठेंगे। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है इसलिए सोशल डिस्टेंस को देखते हुए कम संख्या में ही लोग बैठ करके यहाँ पर मंडल विधान संपन्न करेंगे। भाई विजय कुमार जी, प्रदीप कुमार जी और मदन कुमार जी, आप लोगों ने नाम लिखवाया हुआ है तो अब जिनकी भावना होगी चक्रवर्ती बनने की वो अपना नाम लिखवा दीजिएगा। दस लक्षण पर्व 10 सितंबर से और 20 सितंबर तक होगा। और इसके साथ जिनकी भी भावना हो, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, 11,000 रुपए की स्वीकृति अपनी ओर से देंगे तो लगातार एक महीने तक उनके नाम से भाद्रपद के महीने में शांति धारा की जाएगी। अब चंद्रमती माता जी और आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। आज अभी इसके बाद में मनोकामना सिद्धि विधान जो आप हर रविवार को करते हैं वह भी होने वाला है। और दिन में 3:30 बजे से अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की पूजा, विष्णु कुमार महामुनि राजों की पूजा होगी। तो पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल आप लोग खोल करके बैठिएगा, अच्छे से सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के, अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के बैठिए। पुनः एक बार भगवान श्रेयांसनाथ का निर्वाण लाडू भी उसमें हम चढ़वाएंगे। 3:30 बजे से ध्यान रखना है। और कल से भाद्रपद का जो महीना है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि दिन में, कल से अब कार्यक्रम बदल रहा है, जो गणनी ज्ञानमती दिव्यावधान का कार्यक्रम चल रहा है उसमें 3:30 बजे से आप लोग 16 कारण की एक एक पूजा और उनके अर्घ चढ़ाएंगे। इसलिए सबको कल से सामग्री अपने अपने घरों में रखना है। 16 कारण की एक एक पूजा और अर्घ चढ़ाएंगे मंत्रों के साथ में, तो ये होगा। और हमारी पूर्वी जैन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की अनन्य शिष्या और महिला संगठन की कार्य अच्छी कार्यकर्त्री पूर्वी जैन के द्वारा कल 4 बजे से ऋषभदेव जूम चैनल पर भाद्रपद में जैन रसोई का महत्व, भाद्रपद में आप अपनी जैन रसोई कैसे पवित्र शुद्ध रखें, बच्चों में भी पवित्र खाना खाने के एक माह तक तो कम से कम सब बच्चों को आप रात्रि भोजन का त्याग कराइए, सब महिलाएं और लोग जुड़े। 4 बजे से आपको जैन भाद्रपद में जैन रसोई का महत्व, इस पर आपको पूर्वी जी का कार्यक्रम भी दिन में 4 बजे से ऋषभदेव जूम चैनल पर देखना है। और 3:30 बजे से 16 कारण की पूजा के एक एक पूजा के मंत्र सहित अर्घ चढ़ाएंगे। बंधुओं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का पर्व आया। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी प्रतिदिन पुरुषार्थ पूर्वक यत्न करती हैं कि बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग संकल्पित हों कि हमारी धर्म और धर्मायतनों पर यदि किसी प्रकार का कोई उपसर्ग संकट आएगा तो हम उसकी रक्षा में जिस प्रकार से भी बने रक्षा करने में तत्पर रहेंगे और वे स्वयं भी हमेशा रक्षा करने में तत्पर रहती हैं। इसीलिए आपको संकल्प कराया है, ये केवल शब्द नहीं है, ये मन की संकल्प भावना है, आत्मा के साथ बिल्कुल इसे आत्मसात करके और आप सब संकल्पित हुए हैं। दिन में भी रक्षा सूत्र बनेंगे धर्मध्वज में, आप लोग दिन भर जो भी आएंगे दर्शनार्थी सब लोग रक्षा सूत्र धर्मध्वज में बांधेंगे। खीर का प्रसाद साधुओं के आहार के पश्चात से सेवइयों की खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा, सब लोग आइएगा। और सुनंदा जैन और हमारी मंजू जैन, रेखा जैन, इन लोगों की ओर से भी दिन में यहाँ रक्षाबंधन का एक छोटा सा मेला भी लगाया जा रहा है, आने वाले सबको उसमें प्रसाद वितरित करेंगे। तो सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अभी तत्काल बाद यहाँ मनोकामना सिद्धि विधान होने वाला है। हस्तिनापुर में भी भगवान महावीर की छत्र छाया में मनोकामना सिद्धि विधान चलेगा। तो आप सब लोग अभी माते खूब किया,
700 मुनियों का दर्शन किया, आपने प्राचीन इतिहास का पूरा चित्रण देखा और हस्तिनापुर में जम्बूदीप स्थल पर एक गणी ज्ञानमती हीरक जयंती एक्सप्रेस है जिसकी रेल के अंदर रक्षाबंधन का कितना सुंदर इतिहास हस्तिनापुर के चित्रण में किया गया है। प्राचीन इतिहास झांकियों के माध्यम से स्टेचू आदि जो वहाँ स्थित हैं उसका भी अभी आपने दर्शन किया और जीवंत रूप में जो रक्षाबंधन का मंदिर बन रहा है अगले साल आप उसी मंदिर में भगवान के लिए दर्शन करेंगे और विष्णु कुमार अकंपनाचार्य आदि मुनियों को आहार भी देंगे। सारी व्यवस्था है तो वहाँ से 700 मुनियों का भी जीवंत आपने दर्शन किया है। बहुत ही सुंदर सब दृश्य दिखाए गए। आपका दिवस खूब मंगलमय हो और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए रक्षाबंधन पर्व खूब मंगलमय हो। अब आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री अकंपनाचार्य विष्णु कुमारादि सर्व मुनीन्द्राय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, वात्सल्य पूर्णिमा का यह महापर्व हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इनका जैसे इमली खट्टी होती है, गुलाब जामुन मीठी होती है, इसका स्मरण करते हुए आपके दिल और दिमाग में कुछ होता है। ऐसे ही विष्णु कुमार और अकंपनाचारी का यह घटना इनके जीवन की जो गाथा है वह हमारे कर्मों की व्यथा को नष्ट करने वाला होगा। महान आत्माओं, कथाएं तो बहुत हैं आगम में, अलौकिक कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन इस कथा के कुछ दो मैटर हम आपको बताएंगे जो आपके दिल और दिमाग को जरूर प्रभावित करेंगे। प्रथम है श्रुत सागर मुनिराज। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को श्रोधारी किया। गुरु अकंपनाचार्य ने कहा जाओ जहां पर उन मंत्रियों से विवाद किया है वहां जाके खड़े हो जाओ। उन्होंने धर्म विरुद्ध नहीं धर्म सम्मत किया था। उन्होंने अपनी बुद्धि का अपने विवेक का नहीं उपयोग किया, वहां सिर्फ गुरु की आज्ञा। वहां क्वेश्चन ही उन्होंने कोई आगम विरुद्ध नहीं किया था, लोक व्यवहार विरुद्ध नहीं किया था, ऐसे गुरु आज्ञा के प्रति। श्रुत सागर जैसा यदि जो व्यक्ति होता है वही सम्यक दृष्टि होगा और उसी का बेड़ा पार होता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, मुनिराज तो अनंत हुए हैं और अनंत होंगे, अनंत सिद्धात्मा हुए, लेकिन विष्णु कुमार मुनिराज जैसा इस भूमंडल पर कि अपने संयम जीवन को एक महात्मा के लिए एक धार्मिक भाव से अपने संयम जीवन को भी कुर्बानी दे दी। जरूर आप लोग 700 नरियल चढ़ाते हैं, कोई मुनिराज और श्रावक चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं, परंतु आज का दिन सिमैया खाने का और खिलाने का नहीं है, नए कपड़े पहनने का और नाचने का और राखी बंधवाने में कुछ नहीं है, ये धर्म से बंधन का दिवस है, ये वात्सल्य का दिवस है। अभी माताजी के जो उद्गार सुन रहे थे ये शाब्दिक नहीं थे, ये आत्मी थे। और वात्सल्य का प्रमाण है कि तीर्थंकर के भावों में इतना वात्सल्य होता है इसलिए उनका रक्त श्वेत होता है।